राजधानी दिल्ली का उत्तर पश्चिम जिला अपनी विविधता के चलते जाना जाता है। यहाँ एक तरफ जिंदगी वक्त की रफ्तार से तेज दौड़ती है तो दूसरी ओर सब कुछ थम सा जाता है। कहीं सड़कों पर गाड़ियों का शोर है और कहीं सुनहरे खेतों में दूर दूर तक फैली शांति, और इन सब के बीच समन्वय बनाती आशा मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी स्वस्थ समाज का सपना साकार करती है। मेरा नाम रेखा, मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का आशा वर्कर हूँ। जब मैं काम के लिए शुरू करती थी, आशा वर्कर भी शुरू किया था काम, तो बहुत अच्छा लगा था और समाज वाले भी मुझे बहुत अच्छा से इज्जत भी देते हैं। अब जैसे घर से बाहर निकलती हूँ, सब नमस्ते नमस्ते करने लग जाते हैं और फिर छोटे छोटे बच्चे के बारे में पूछते हैं, एलसी के बारे में पूछते हैं, टीके के बारे में पूछते हैं, और किसी का तबीयत भी खराब हो तो उसके बारे में भी पूछते हैं कि कैसे करना है। तो जो मुझे जैसे जिसके बारे में पूछे उसी हिसाब से उसको बता देते हैं। आशा देश के हर जिले में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने वाली सरकार और समाज के बीच की अनमोल कड़ी। मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की आशा वर्कर हूँ और मैं अपने एरिया में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती हूँ। जैसे कि गर्भवती महिलाएं, उनका सबसे पहले पंजीकरण करवाती हूँ, फिर उसके बाद उनका टीकाकरण, उनकी दवाइयाँ, कैल्शियम आयन की दवाइयाँ और उनका खान पान का ध्यान रखती हूँ और 9 महीने तक उनका पूरा इलाज करवाती हूँ। 9 महीने पर मैं उनकी डिलीवरी के लिए प्रसव के समय उनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। लगभग 750 आशा वर्कर अपने अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाती हैं। मेरा नाम रेनू है, मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की आशा हूँ। और आशा की 3 भूमिकाएँ होती हैं, पहला लिंग वर्कर का काम करना, दूसरा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना और तीसरे में किसी भी लोग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन ना हो। आशा यानी अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जमीनी स्तर पर काम करती है, घर घर जाकर लोगों की सेहत का ध्यान रखना इनकी जिम्मेदारी है जिसे ये बखूबी निभाती है। मैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट की आशा वर्कर हूँ। मैं अपने एरिया में मलेरिया से बचाव के लिए कैसे जागरूकता फैलाते हैं उसके बारे में लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने देना, मच्छरदानी का प्रयोग करना, जैसे घर में कोई पीने योग्य पानी हो उनको ढक के रखना, आसपास के पानी इकट्ठे हो तो उसमें तेल का छिड़काव करना, नीम की पत्तियों को जलाकर मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। अगर मलेरिया के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत देरी ना लगाए और स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज करवाए। चाहे गर्भवती महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, हर वर्ग हर उम्र के लोगों तक इनकी पहुंच है। अपने क्षेत्र में काम करने वाली आशा वर्कर हर कौशल में पारंगत होती है जिसकी वक्त वक्त पर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये अपनी सेवाओं की शुरुआत करती हैं। हर घर में जाकर सर्वे करना और नव विवाहित जोड़ों को परिवार नियोजन से संबंधित उचित सलाह देना भी आशा के मुख्य कामों में से एक है। मेरा नाम किरण है, मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की आशा वर्कर हूँ। मेरे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें मेरा एक कार्य है बच्चों का टीकाकरण करवाना। मैं अपने क्षेत्र में लोगों के बच्चों को इकट्ठा करती हूँ और उनको आंगनवाड़ी में टीकाकरण करवाती हूँ और उनको अगले टीकाकरण की तिथि के बारे में भी बताती हूँ और इसके बारे में मैं लोगों को सचेत भी करती हूँ। अगर ये कहा जाए कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के हर बड़े लक्ष्य को पूरा करने का आधार आशा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तमाम चुनौतियों के बीच काम करने वाली आशा वर्कर की जिम्मेदारियां कम नहीं है।
टीबी वाले बीमारी के मरीज को देखभाल करती हूँ, और जैसे ही बीमारी चालू हो जाता है उनका टेस्ट वगैरह करवा के ले जाके अस्पतालों में और उनका इलाज चालू करवा देती हूँ, और लगातार उनका 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स पूरा करवा देती हूँ, और एक भी दिन दवा मिस नहीं करना, और उनके खान पान का अच्छा से अच्छा ध्यान देना है, और उनको बताना है क्या खाना है क्या नहीं खाना। कोर्स पूरा होने के बाद में फिर उनको दोबारा जांच करवाते हैं, और जांच करवाने के बाद में बीमारी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ बंद कर देते हैं, वहीं बंद कर देते हैं इलाज करवाना। ये ना थकती है ना रुकती है, सिर्फ चलना जानती है, जूझना जानती है, हर राह पर उम्मीद के फूल खिलाती ये आशा है।